हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माता श्री, पिता श्री के नाम पर असुर लोक के सिंहासन को ग्रहण करने से पहले मैं ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनकी अनुपस्थिति में उनके दायित्व को उन्हीं की भांति सफलता से निभाऊं। विजयी भव पुत्र, तुम सदा अपने पिताश्री की भांति ही सफल रहोगे। आखिर तुम उन्हीं के पुत्र हो। वो जहां जाते हैं विजयश्री उनके चरणों में झुक जाती है। श्री के चरणों में अल्हाद का प्रणाम स्वीकार हो। आज तुम केवल मेरे अल्हाद नहीं, युवराज अल्हाद हो। तुम अब सारी असुर जाति की धरोहर हो गए हो। मां का आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा बेटे। माताश्री, पिताश्री के नाम पर असुर लोक के सिंहासन को ग्रहण करने से पहले मैं यह आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनकी अनुपस्थिति में उनके दायित्व को उन्हीं की भांति सफलता से निभाऊं। विजयी भव पुत्र, तुम सदा अपने पिताश्री की भांति ही सफल रहोगे। आखिर तुम उन्हीं के पुत्र हो। वो जहां जाते हैं विजयश्री उनके चरणों में झुक जाती है। वो नागलोक में गए हैं तो मुझे विश्वास है कि उन्हें वहां अवश्य विजय प्राप्त होगी। होगी नहीं माताश्री, विजय प्राप्त हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ माताश्री, गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखकर यह शुभ समाचार दिया है कि महाराज ने नागलोक को परास्त कर दिया है। और नागराज ने महाराज के सामने न केवल अपने घुटने टेक दिए हैं, बल्कि नागलोक को असुरों के प्रकोप से बचाने का आश्वासन प्राप्त करने के लिए महाराज से अटूट संबंध जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा है। अर्थात नागराज ने अपनी सुपुत्री राजकुमारी कयाधु से महाराज का विवाह करने का निश्चय किया है। बहुत अच्छा समाचार है। वाह, तुम्हें अपने पिताश्री की वीरता पर गर्व होना चाहिए। असुर सम्राट के राजमहल में एक नागरानी का आगमन बड़ा शुभ समाचार है। हमें महाराज और उनकी नववधू के स्वागत की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए बेटे। जो आ गया माताश्री।